Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine Tutor Marine Engineering Lecture. This is our second lecture on line diagram series. First lectures में हम लोगों ने बात किया था jacket cooling water systems और high temperature cooler system. इस lectures में हम बात करेंगे low temperature cooling systems, low temperature coolers और central cooling water system. So first of all हम बात करेंगे why central cooling water system is introduced on present vessels. इससे पहले जो हमारी वेसल्स में थी वो हमारी ट्रेडिशनल कूलिंग वाटर सिस्टम्स थी, जिससे हमारी डायरेक्टली सी वाटर के थ्रू हम जो भी कंपोनेंट्स होती थी, जो लो टेम्परेचर कूलर के थ्रू हमारी कूल होती थी, लाइक एयर कूलर्स, स्कैवेंज एयर, ल्यूब ऑयल कूलर, जैकेट कूलिंग वाटर कूलर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड अदर्स थिंग्स जो हमारी लो टेम्परेचर कूलर के थ्रू हमारी कूल होती थी, वो हमारी सी वाटर सिस्टम्स होती थी. बट हमारी कुछ ड्रॉबैक्स आई बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ सी वाटर. क्योंकि अगर हम डायरेक्टली सी वाटर यूज करेंगे तो हमारी दो प्रॉब्लम हो सकती है. फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी हो सकती है कोरोजन एंड सेकेंड प्रॉब्लम हो सकती है हमारी स्केल फॉर्मेशन और मरीन ग्रोथ. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोरोजन की, तो कोरोजन अगर हमारी होगी तो उसे हम कुछ एक्सटेंस तक हम रिड्यूस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सेलेक्शन ऑफ मटेरियल. अगर हम मटेरियल सही से सेलेक्ट करें तो हम कोरोजन को रिड्यूस कर सकते हैं. इसलिए जो हमने प्लेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर लगाई है, हमारी सेंट्रल कूलर है, मैं लेक्चर्स में आपको ब्रीफली डिस्कस करूंगा. तो ये जो हमारी सेंट्रल कूलर है, इसकी जो मटेरियल सेलेक्शन होती है वो हमारी टाइटेनियम प्लेट होती है, जो हमारी कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल होती है. तो इन मटेरियल्स को हम सेलेक्ट करते हैं जिससे हम कोरोजन रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हमारी ट्रेडिशनल सी वाटर कूलिंग सिस्टम है. नाउ व्हाट अबाउट मरीन ग्रोथ और स्केल फॉर्मेशन. जो हमारी मरीन ग्रोथ होती है और स्केल फॉर्मेशन होती है, हम बाय चूजिंग और बाय सेलेक्टिंग द मटेरियल, हम मटेरियल्स के सिलेक्शन के बेसिस पर हम उसे रिमूव नहीं कर सकते. जो हमारी स्केल फॉर्मेशन होती है, जो हमारी मरीन ग्रोथ होती है, वो प्रिवेंट तभी होगी जब हमारी वाटर की क्वालिटी इंप्रूव होगी. वो मटेरियल की सिलेक्शन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जो भी हमारी ग्रोथ होती है, जो भी हमारी स्केल फॉर्मेशंस होती है, वो डिपेंड होती है सी वाटर की क्वालिटी पे. इसलिए हम लोगों ने सेंट्रल कूलिंग वाटर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. तो ये आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, लाइक पहले हमारी ट्रेडिशनल सी वाटर कूलिंग सिस्टम थी, बट नाउअडेज जो भी हमारे प्रेजेंट वेसल्स है, हर जगह हमारी क्या है, सेंट्रल कूलिंग वाटर सिस्टम है. तो हमारी सेंट्रल कूलिंग वाटर सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस की गई, बिकॉज ऑफ हमारी सी वाटर जो होती है वो हमारी नेचर्स होती है, कोरोजन नेचर होती है, स्केल फॉर्मेशंस होती है और मरीन ग्रोथ फॉर्मेशंस होती है. तो कोरोजन हम कुछ एक्सटेंट तक हम रिड्यूस कर सकते हैं मटेरियल सिलेक्शंस के थ्रू, बट हमारी जो मरीन ग्रोथ होती है और जो हमारी स्केल फॉर्मेशंस होती है, वो हम मटेरियल सेलेक्शंस के थ्रू हम उसे प्रिवेंट नहीं कर सकते. उसके लिए हमें वाटर क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी. एंड सेकंड थिंग, अगर बात करें मींस कोरोजन हमारी क्यों हो रही है सी वाटर में, बिकॉज अगर हम सी वाटर को डायरेक्टली एप्लीकेशंस में यूज लाए, डायरेक्टली 40-50 डिग्री सेल्सियस उसे अचीव करें, कंपोनेंट में कूल करें, तो हमारी क्या हो सकती है, कोरोजन हो सकती है. और वो कोरोजन हमारी अनएक्सेप्टेबल कोरोजन होगी, जो अनएक्सेप्टेबल स्केल्स ग्रोथ और स्केल्स फॉर्मेशंस होगी. तो अब हम बात करेंगे जो हमारी ट्रेडिशनल कूलिंग वाटर सिस्टम्स थी और ट्रेडिशनल सी वाटर कूलिंग सिस्टम्स थी, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा. फिर मैं आऊंगा सेंट्रल कूलिंग वाटर सिस्टम्स पे. अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल सी वाटर कूलिंग सिस्टम्स जो हमारी पहले फॉलो की जाती थी. सी वाटर कूलिंग सिस्टम्स हमारी क्या होती थी, हम उस पर बात करेंगे. तो आप इस डायग्राम पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारी दो सी चेस्ट है, एक हमारी हाई सी चेस्ट है और एक हमारी लो सी चेस्ट है. फिल्टर एंड वाल्व अरेंजमेंट के थ्रू हमारी वाटर पास हो रही है एंड इट अगेन पासेस थ्रू मेन सी वाटर पंप्स. अब हमारी ये मेन सी वाटर पंप आप देख रहे हो, आगे हमारी नन रिटर्न वाल्व लगाई हुई है एंड आफ्टर दैट ये हमारी देख सकते हो आप, हमारी ये कूल कर रही है, शाफ्ट बियरिंग को हमारी कूल कर रही है, कैमशाफ्ट कूलर ल्यूब ऑयल को हमारी कूल कर रही है, मेन इंजिन एयर कूलर्स को हमारी कूल कर रही है, मेन इंजिन ल्यूब ऑयल कूलर को हमारी कूल कर रही है, मेन इंजन जैकेट कूलिंग वाटर कूलर्स को कूल कर रही है. तो अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा है, यहाँ पर जो हमारी कूलिंग मीडिया जो है, हमारी ये डायरेक्टली सी वाटर हमारी कूलिंग मीडिया है, मीन्स हम सी वाटर के थ्रू हम इसे कूल कर रहे हैं ना. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मेन इंजन ल्यूब ऑयल कूलर एंड मेन इंजन जैकेट कूलिंग वाटर कूलर.
तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चंस पूछी जाती है टीएमई इंटरव्यू में या एमएमटी ओरल्स में, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होती है, व्हाई ए मेन इंजन जैकेट कूलिंग वाटर कूलर इज प्लेस्ड आफ्टर मेन इंजन ल्यूब ऑयल कूलर इन सी वाटर कूलिंग सिस्टम और इन सेंट्रल कूलिंग वाटर सिस्टम। सेंट्रल कूलिंग वाटर सिस्टम में भी सेम अरेंजमेंट होती है, बट एप्लीकेशन हमारी जो कूलिंग मीडिया होती है वो हमारी फ्रेश वाटर होती है, बट हमारी एप्लीकेशन सेम होती है। आई मीन जो भी हमारी कंपोनेंट आप देख रहे हो, या मेन इंजन जैकेट कूलिंग वाटर कूलर जो देख रहे हो, हमारी मेन इंजन ल्यूबल कूलर के बाद प्लेस्ड है, सेम हमारी सेंट्रल कूलिंग वाटर सिस्टम में भी होती है एंड हमारी ट्रेडिशनल सी वाटर कूलिंग सिस्टम में भी ये चीज होती है। ये चीज हमारे दोनों में कॉमन है। सो व्हाई मेन इंजन जैकेट कूलिंग वाटर कूलर इज प्लेस्ड आफ्टर मेन इंजन ल्यूबल कूलर। Now our question is why main engine jacket cooling water cooler is placed after main engine lube oil cooler। तो इसकी हमारी आंसर है, जो हमारी मेन इंजन जैकेट कूलिंग वाटर कूलर जो होती है वो हमारी हाई टेम्परेचर पे हम मेंटेन करते हैं, हाई टेम्परेचर मीन 70 to 75 डिग्री सेल्सियस, एंड जो हमारी जैकेट कूलिंग वाटर सिस्टम जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखा था, तो वहां पर आप लोगों ने देखा था कैसे हमारी जो आउटलेट थी जैकेट कूलिंग वाटर सिस्टम्स की और इनकमिंग जैकेट हॉट वाटर जो हमारी थी, कैसे हमारी मिक्सिंग वर्ल्स के थ्रू हमारी कूल हो रही थी विद द हेल्प ऑफ लो टेम्परेचर कूलर। तो यहाँ पर सेम है, तो अब हमारे यहाँ पर क्या होगी, अगर हम लोगों ने जैकेट कूलिंग वाटर कूलर्स को हम लोगों ने पहले प्लेस्ड कर दिया तो हमारी क्या होगी, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगी जिससे हमारी ये टेम्परेचर फॉल डाउन होगी। हाई टेम्परेचर में 70 to 75 डिग्री सेल्सियस हमें मेंटेन करनी है, तो यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, अगर हम इसे ल्यूबल कूलर के बाद प्लेस्ड किए तो हमारी क्या होगी, ल्यूबल कूलर से जो भी सी वाटर होगी वो हीट एक्सट्रैक्ट करेगी, मीन्स हमारी ल्यूबल कूलर को कूल कर चुकी है, अब नाउ ये हमारी जैकेट कूलिंग वाटर कूलर पे इंटर करेगी, एंड क्योंकि वो पहले से ही क्या कर रही है, हीट एक्सट्रैक्ट कर चुकी है, तो उसमें अब कूलिंग इफिशियंसी जो होगी वो हमारी रिड्यूस्ड हो चुकी है, तो हमारी स्लाइट कूलिंग करेगी, ओके स्लाइट टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होगी। बट हम लोगों ने अगर पहले जैकेट कूलिंग वाटर कूलर को प्लेस्ड करता तो हमारी क्या होती, जो कूलिंग जो हमारी टेंडेंसी टू कूलिंग है ओके वो हमारी इंक्रीज हो जाती, तो हमारी टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाती। यही रीजन है हमारी जैकेट कूलिंग वाटर कूलर को जो होती है वो हमारी मेन इंजन ल्यूबल कूलर के बाद रखा जाता है, क्योंकि हम जैकेट कूलिंग वाटर कूलर को हाई टेम्परेचर पर मेंटेन कर सके। ओके नाउ तो आप समझ गए, अब आप बात करते हैं यहाँ पर, अब हमारी जो आप ये देख रहे हो थ्री वे वाल्व, ओके ये हमारी थ्री वे वाल्व है। समटाइम्स क्या होता है, जो भी हमारी समटाइम्स अगर हमारी कोल्ड कंट्री कंट्रीज पे हम ये क्या करते हैं, रिसर्कुलेशन करते हैं, आप देख सकते हो रिसर्कुलेशन लाइन है, तो यहाँ पर हमारी 40% वाटर ओवरबोर्ड हो जाती है एंड 60% हम रिसर्कुलेट करते हैं। सपोज अगर हम लोगों ने कोल्ड कंट्री पे हम लोगों ने इंटर किया जिसकी अब हमारी टेम्परेचर सी वाटर टेम्परेचर हो रही है 15-18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो हमारी टेम्परेचर सेट करनी है 31, 30, 29, ये टेम्परेचर हमें सेट करनी है। तो जो हमारी सी वाटर की टेम्परेचर होती है, जो हमारी जैकेट कूलिंग वाटर कूलर्स को कूल करने के बाद उसकी टेम्परेचर अप टू होती है 45-48 डिग्री सेल्सियस। तो नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ वाटर जो हो रही है हम ओवरवोट कर रहे हैं, कुछ वाटर जो हो रही है हम सर्कुलेट कर रहे हैं, तो रिसर्कुलेशन जो वाटर होती है वो हमारी 60% होती है एंड 40% हम लोगों ने ओवरवोट कर चुका है। तो जो 60% हमारी रिसर्कुलेशन हो रही है, आप देख सकते हो ये हमारी रिसर्कुलेशन लाइन है, ये हमारी रिसर्कुलेशन लाइन है। नाउ अब ये हमारी यहाँ पर जो भी हमारी वाटर आ रही है उससे वो हमारी मिक्स हो रही है, मीन्स हमारी 45-48 डिग्री सेल्सियस मिक्सेस विद 15 डिग्री सेल्सियस वाटर बाय रिसर्कुलेशन, तो इसकी टेम्परेचर रेज होगी एंड इट रेज अप टू 30 to 31 डिग्री सेल्सियस। ओके एंड अगेन वो हमारी सेम प्रोसेस करेगी, तो आप देख सकते हो हमारी कंट्रोल सिग्नल भी है जो हमारी बता देगी हमारी टेम्परेचर की कंडीशंस और टेम्परेचर्स हमारी बताती है, जिसके थ्रू विद द हेल्प हम रेगुलेट करते हैं टेम्परेचर्स। ओके विद आफ्टर दैट हमें पता चलता है हमें कितना रिसर्कुलेशन वाटर करनी है। ओके तो ये हमारी बेसिक कूलिंग वाटर सिस्टम्स थी, ट्रेडिशनल सी वाटर कूलिंग सिस्टम थी। आपको एक चीज यहाँ पर समझना होगा, सपोज यहाँ पर हमारी तीन चीज हो रही है, ये हमारी एक एलटी कूलर है, अरे एक हमारी यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो एक हमारी एचटी कूलर है, यहां पर एलटी कूलर है और यहां पर सी वाटर है। नाउ सी जो हमारी एलटी कूलर जो हो रही है वो हमारी किसके थ्रू कूल होती है, सी वाटर, हमारी एलटी कूलर को सी वाटर कूल करती है। जो हमारी एलटी कूलर जो होती है वो हमारी सी वाटर जो होती है उसे कूल करती है, सी वाटर कूल करती है। नाउ
इससे पहले के लेक्चर हम लोगों ने देख चुका है कैसे हमारी जैकेट कूलिंग वाटर सिस्टम और हाई टेम्परेचर कूलर में कैसे हमारी जो भी इनकमिंग हॉट जैकेट वाटर जो हो रही थी मिक्सिंग वाल्व के थ्रू हमारी लो टेम्परेचर लिक्विड कैसे हमारी कूल कर रही थी, मींस व्हाट, वो पूरी हाई टेम्परेचर सिस्टम्स थी और हमारी कूलिंग किसके थ्रू हो रही है, लो टेम्परेचर कूलर के थ्रू हो रही है, याद आ रहा है आपको। तो ये जो हमारी हाई टेम्परेचर कूलर जो होती है वो किससे कूल हो रही है, लो टेम्परेचर कूलर के थ्रू और लो टेम्परेचर लिक्विड के थ्रू। तो ये जो हो रही है हमारी ऐसे अरेंजमेंट है, मींस हमारी एलटी कूलर कूल किससे हो रही है, सी वाटर से कूल हो रही है, हमारी एलटी कूलर को हमारी सी वाटर कूल कर रही है एंड हमारी एचटी कूलर को और एचटी सिस्टम्स को हमारी कौन कूल कर रही है, एलटी लो टेम्परेचर कूलर कूल कर रही है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं हाई टेम्परेचर कूलर और इसलिए हम कहते हैं इसे लो टेम्परेचर कूलर, गॉट इट। नाउ यहाँ पर हमारी सेम अरेंजमेंट है, सेम जो मैंने आपको यहाँ समझाया सेम मैंने यहाँ पर आपको शो किया है। अब इस ब्लॉक डायग्राम में आते हैं, आप देख सकते हो ये हमारी सी वाटर सर्कुलेटिंग पंप है, ओके। अब ये सी वाटर सर्कुलेटिंग पंप क्या कर रही है, सी वाटर सक कर रही है एंड ये हमारी क्या कर रही है, सेंट्रल कूलर्स को कूल कर रही है। तो आप वन जो देख रहे हो ये हमारी इनलेट है और ये हमारी सेंट्रल कूलर्स को कूल करके हमारी क्या कर रही है, आउटलेट है, मींस हमारी सेंट्रल कूलर्स मींस हमारी लो टेम्परेचर कूलर को हम लोगों ने कूल किया, ओके। अब यहाँ पर हमारी लिक्विड की टेम्परेचर, हमारी एलटी वाटर की टेम्परेचर कितनी हो जाती है, 26 टू 32 डिग्री सेल्सियस, मींस ये जो है ये जो इसकी टेम्परेचर हमारी 26 टू 32 डिग्री सेल्सियस होती है। अब भी हमारी क्या होती है, लो टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर्स को कूल करती है, मींस लो टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर यहाँ पर क्या क्या है, लाइक हमारी रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, स्कैवेंजर एयर, स्कैवेंज एयर कूलर्स, लूब ऑयल कूलर्स को हमारी कूल करेगी, कैमशाफ्ट लूब ऑयल, शाफ्ट बियरिंग्स को हमारी ये क्या करेगी, कूल करेगी, ओके। एंड आफ्टर दैट ये आप देख सकते हो अब ये हमारी एफ, ओके, ये हमारी इंटर होगी और ये जो हमारी एफ है मैंने डिनोट किया है वाल्व एफ, दैट इज एचटी कंट्रोल वाल्व। तो आपने पिछले लेक्चर्स में देखा था एचटी कंट्रोल वाल्व मींस ये हमारी हाई टेम्परेचर्स कंट्रोल वाल्व मींस हमारी मिक्सिंग वाल्व। यहां पर हमारी क्या होगी, जो भी हमारी इनकमिंग, ओके, ये हमारी क्या है, ये हमारी मेन इंजन जैकेट है, ओके, ये हमारी मेन इंजन है। तो ये हमारी क्या है, ए पॉइंट हमारी क्या है, जैकेट कूलिंग वाटर इनलेट एंड हमारी बी, बी क्या है, जैकेट कूलिंग वाटर आउटलेट। तो मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको समझाया था जो हमारी जैकेट कूलिंग वाटर आउटलेट जो होगी मींस हमारी इनकमिंग हॉट वाटर जो होगी, ये हमारी इनकमिंग हॉट वाटर जो होगी हमारी वाल्व टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व जो होगी उससे वो मिक्स करेगी किसके साथ, लो टेम्परेचर लिक्विड के साथ। एंड अगेन हमारी क्या होती है, फीड होती है मींस हमारी जो 82, ये जो हमारी ईस्ट साइड जो है हमारी कितनी इसकी टेम्परेचर होगी, 82 डिग्री सेल्सियस एंड आफ्टर कूलिंग हम लोग कूल करेंगे और हमारी जो डिजायर्ड टेम्परेचर जो होगी, ओके, लाइक हमारी इनलेट में हमारी कितनी होती है, 72, 74, 75 है ना, उतना तक हम क्या करेंगे, अचीव करेंगे, ये वाल्व को थ्रोटल करेंगे, ओके। तो मैंने पहले ये लेक्चर्स बता दिया, उस लेक्चर्स में ये सारी चीजें मैंने बता चुका हूँ ना। तो वो हमारी जो लो टेम्परेचर कूलर से जो लिक्विड आ रही हो वही कूल कर रही है, वही हमारी मिक्सिंग वाल्व के थ्रू हमारी मिक्स हो रही है एंड ये हमारी क्या होगी, इसकी जो आउटलेट होगी ये हमारी 45 to 48 डिग्री सेल्सियस होगी, किसकी, लो टेम्परेचर कूलर की। यहां पर हमारी जो हमारी एचटी कंट्रोल वाल्व है वो हमारी मिक्सिंग वाल्व, वो किसे मिक्स कर रही है, हमारी जैकेट कूलिंग वाटर इनकमिंग हॉट जैकेट कूलिंग वाटर जो हमारी 82 डिग्री सेल्सियस है प्लस हमें किसके साथ ये मिक्स हो रही है, एलटी लिक्विड के साथ मिक्स हो रही है जो हमारी हीट एक्सचेंजर्स को मींस वहां पर हीट एक्सचेंज करके आ चुकी है उसके साथ मिक्स हो रही है, ओके, जिसकी टेम्परेचर हमारी होती है 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी इसमें हीट ट्रांसफर होगी मींस हमारी जो एलटी कूलर जो होगी, एलटी लिक्विड जो होगी, इसकी हीट एक्सट्रैक्ट करेगी कुछ हीट, ओके। तो यहां पर हमारी आफ्टर थ्रोटलिंग हमारी जो इनलेट होती है हमारी कितनी होती है, 40 जो इनलेट होती है हमारी 75 डिग्री सेल्सियस होती है एंड हमारी इसकी आउटलेट टेम्परेचर आप देख सकते हैं हमारी आउटलेट, ओके, आफ्टर मींस कूलिंग के बाद जो हमारी एलटी लो टेम्परेचर लिक्विड की टेम्परेचर होती है 45 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो 45 डिग्री सेल्सियस अभी हमारी पंप के थ्रू आप देख सकते हो सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू एंड हमारी सी, सी हमारी क्या है, वाल्व सी लो टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व। मैं इस लेक्चर्स में मींस जो ये लाइन डायग्राम है मैं वहां पर आपको समझाऊंगा, फिर अगेन ये हमारी क्या होती है,
अब देख सकते हो एंटर होती है सेंट्रल कूलर्स में। अब सेंट्रल कूलर्स क्या करती है, ये जो हमारी 45 डिग्री सेल्सियस जो एलटी लिक्विड है उसे ये हमारी क्या करती है, सी वाटर के थ्रू वो कूल करती है। फिर ये हमारी आप देख सकते हो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हमारी यहां पर एंटर कर रही है और ये हमारी साइकिल क्लोज साइकिल हमारी ये फॉलो कर रही है। तो ये हमारी सेंट्रल कूलिंग वाटर सिस्टम होती है, मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। हमारी सेंट्रल कूलिंग सिस्टम्स लाइन डायग्राम है और बोल सकते हैं लो टेम्परेचर कूलिंग सिस्टम्स की लाइन डायग्राम है। तो अब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो हमारी सी चेस्ट है। अब हमारी सी चेस्ट जो होती है, हमारी पोर्ट साइड भी हमारी सी चेस्ट होती है और हमारी स्टारबोर्ड साइड में भी सी चेस्ट होती है। स्टारबोर्ड साइड में यहां कंसीडर किया तो जो हमारी स्टारबोर्ड साइड होगी यहां पर हाई सी चेस्ट एंड लो सी चेस्ट होगी, सेम हमारी पोर्ट साइड भी होगी हमारी हाई सी चेस्ट एंड लो सी चेस्ट होगी। तो हमारी ये सी चेस्ट है। अब यहाँ पर हमारी आप देख सकते हैं हमारी मेन सी वाटर फिल्टर अरेंजमेंट है, वाल्व एंड फिल्टर अरेंजमेंट है। इसके बाद ये हमारी वाटर जो होती है हमारे पंप के थ्रू हमारी सक होती है, हमारी ये सेंट्रल कूलिंग और सेंट्रल कूलर्स में वाटर सर्कुलेट होती है। ओके, ये मैंने आपको पहले भी बताया था इस लेक्चर में। यहाँ पर आप देख रहे हो हमारी मेन सी वाटर पंप जो है, मैंने 3 पंप्स लिया है। अभी हमारी 2 पंप की यूज कहाँ थी एंड थर्ड वन की पंप की यूज कहाँ थी मैं आपको बताता हूँ। जो 2 पंप होती है ड्यूरिंग सेलिंग के टाइम यूज आती है, जब हम सेलिंग कर रहे होते हो कर रहे होते हैं तो हमारी फर्स्ट पंप जो होती है हमारी रनिंग पंप होती है, सेकेंड पंप जो होती है वो हमारी स्टैंडबाय पंप होती है। ओके, तो फर्स्ट पंप हमारी स्टैंडबाय पंप है, सेकेंड पंप सपोज हमारी रनिंग पंप है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट थर्ड पंप। थर्ड पंप जो है ये हमारी जब शिप्स जो होती है हमारी पोर्ट में होती है और इस पंप को हम कहते हैं हार्बर पंप। ये जो पंप होती है इस पंप को कहते हैं हार्बर पंप। ये हमारी स्मॉल कैपेसिटी पंप होती है और जब हमारी शिप्स पोर्ट्स पे होती है तो इस पंप की यूज आती है सेंट्रल कूलर्स को कूलिंग पर्पस के लिए। ओके, नाउ स्मॉल कैपेसिटी पंप होती है यह थर्ड हार्बर पंप। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे। आप देख रहे हो हमारी कैसे सी वाटर जो होगी फिल्ट्रेशन एंड पंप के थ्रू हमारी अब देख रहे हो अब ये सर्कुलेट कहाँ कर रही है, सेंट्रल कूलर्स पे। तो आप देख सकते हो ये हमारी सर्कुलेट कहाँ कर रही है, सेंट्रल कूलर्स पे। ये हमारी इनलेट है, ये आप डायग्राम देख सकते हो। इस डायग्राम में आपको मैंने आपको बताया था कैसे सी वाटर सर्कुलेटिंग मीन सी वाटर पंप के थ्रू हमारी सेंट्रल कूलर में वो हमारी एंटर कर रही है एंड वो हमारी कूल कर रही है। ओके, तो आप देख सकते हो हमारी क्या कर रही है, एंटर कर रही है। ये मीन्स सेकेंड कूलर हमारी ए है एंड सेम वाइज हमारी इंटर फर्स्ट कूलर सेंट्रल कूलर्स पे भी कर रही है, ए डैश है। ये हमारी सी वाटर इनलेट है, ए वाल्व एंड ए डैश वाल्व के थ्रू हमारी सी वाटर इनलेट है। नाउ सेम हमारी यहाँ क्या करी, हीट एक्सचेंज होगी। ओके, हीट एक्सचेंज होगी, मैं बताऊंगा आगे किन के बीच में हीट एक्सचेंज होगी। ओके, अब ये हमारी हीट एक्सचेंज करके हमारी ये बी, ओके ये हमारी बी एंड हमारी बी डैश है। तो आप देख रहे होंगे सी वाटर की काम क्या पर कूल कर रही है, हमारी सेंट्रल कूलर्स में जो एलटी लिक्विड है उसे वो हमारी क्या कर रही है, कूल कर रही है। ओके, कूल करके आप देख सकते हो इस लाइन पे आई, ये हमारी इस लाइन पे आई और ये हमारी ओवरबोर्ड वाल्व के थ्रू ओवरबोर्ड हो चुकी है। गॉट इट। नाउ अब यहां पर हमारी क्या आएगी देख सकते हो आप, अब यहां पर जो वाल्व मैं इसे नाम देता हूं ये सी हो गई। ओके, ये हमारी वाल्व सी है एंड ये हमारी वाल्व सी है। ओके, नाउ अब जो हो रही है, अब हमारी जो हीट ट्रांसफर जो हो रही है ये हमारी लो टेम्परेचर एंड हमारी सी वाटर के बीच में हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है। ओके, तो कैसे हो रही है मैं अब आपको समझाता हूं। तो ये जो हमारी है ये हमारी एलटी कंट्रोल वाल्व है, ये जो वाल्व देख रहे हो हमारी एलटी कंट्रोल वाल्व है। ये क्या करती है, ये अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर और अकॉर्डिंग टू थर्मल लोड, ओके अकॉर्डिंग टू थर्मल लोड जो भी हमारी एलटी कूलिंग वाटर जो होती है लिक्विड जो होती है अकॉर्डिंग टू थर्मल लोड उसे क्या करती है, फीड करती है हमारी कहां, सेंट्रल कूलर्स पे अकॉर्डिंग टू थर्मल लोड। ओके, अगर हमारी लोड इंक्रीज होगी तो हमारी ज्यादा अमाउंट में हमारी सेंट्रल कूलर्स में हम ज्यादा अमाउंट ऑफ कूलिंग प्रोवाइड करेंगे, अगर हमारी कम होगी तो अकॉर्डिंगली हम कम अमाउंट हम सेंट्रल कूलर्स पे उसे हम कूल करने के लिए सेंड करेंगे। तो यहां पर आप देखोगे तो ये आप जब देख रहे हो ये हमारी क्या है, ये हमारी सी एंड सी डैश मैं इसे कंसीडर करता हूं। ओके, ये हमारी क्या है, इनलेट है, ये हमारी लो टेंपरेचर वाटर जो है हमारी इन कर रही है, हमारी लो टेंपरेचर वाटर जो है हमारी इन कर रही है सेंट्रल कूलर्स पे एंड दोनों के बीच हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है। ओके, कूलिंग मीडियम हमारी क्या है, सी वाटर है। अब ना आप ये जो देख रहे होगे सपोज मैं ये कंसीडर करता हूं डी,
एंड इसे ये कंसिडर करता हूं हमारी डी डैश। ओके, तो हमारी डी डी के थ्रू हमारी क्या कर रही है, लो टेम्परेचर जो हो गई है वो हमारी कूल हो रही है। एंड आप देख सकते हो ये कूल हो रही है, कूल हो रही है, एंड ये हमारी यहाँ पर फीड हो रही है। ओके, मीन्स हमारी लो टेम्परेचर लाइन के साथ ये लो टेम्परेचर लाइन के साथ ये जुड़ चुकी है। ओके, अब ये क्या करेगी, जो लो टेम्परेचर लिक्विड होगी, अब आप देख सकते हो किसे कूल कर रही है, मेन इंजन चार्ज एयर कूलर को कूल करेगी, मेन इंजन ल्यूबॉल कूलर को कूल करेगी, मेन इंजन कैमशाफ्ट लूप ऑयल कूलर को कूल करेगी, एयर कंप्रेसर कूलर को कूल करेगी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कूलर को कूल करेगी, ऑक्सिलरी इंजन ल्यूबॉल एंड चार्ज एयर कूलर को कूल करेगी, एंड अदर लो टेम्परेचर सर्विस जो होंगे उसे भी वो कूल करेगी। नाउ उसके बाद आप देख सकते हो ये जो हो रही है, यहाँ पर मैंने क्या बनाया, एचटी कंट्रोल वाल्व। मींस अब हम अब जैकेट कूलिंग वाटर सिस्टम सोचो, अब जैकेट कूलिंग वाटर सिस्टम से जो इनकमिंग हॉट वाटर थी, समझ रहे हो, जो इनकमिंग हॉट वाटर थी, एंड ये हमारी क्या करेगी, एचटी कंट्रोल वाल्व है, मींस मिक्सिंग वाल्व है, ये क्या करेगी, इनकमिंग हॉट वाटर एंड हमारी एलटी लिक्विड को हमारी क्या करेगी, मिक्स करेगी। ओके, यहाँ पर इसकी टेम्परेचर अप टू मीन्स 38-39 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुकी है, 38 डिग्री सेल्सियस। अब उसे वो क्या करेगी, मिक्स करेगी किसके साथ, इनकमिंग जैकेट हॉट वाटर एंड हमारी एलटी कूली हमारी मिक्स होगी। ओके, तब यहाँ पर एलटी जो लिक्विड होगी उसकी टेम्परेचर रेंज होगी, एंड उसकी टेम्परेचर अप टू 45 डिग्री सेल्सियस तक हमारी रेंज होगी, ये हमारी होगी 45 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, एंड ये हमारी क्या है, वो हमारी अगेन हमारी क्या जाएगी है, अब ये हमारी क्या है, ये जो लाइन है अगेन हमारी ये मेन इंजन जैकेट कूलिंग वाटर सिस्टम पे जाएगी। ओके, एंड ये अब हमारी क्या करेगी, हमारी सर्कुलेट करेगी, आप देख सकते हो ये हमारी लाइन है। ओके, ये आफ्टर कूलिंग इसकी 45 डिग्री सेल्सियस हो चुकी है, एंड अब हम इसे क्या करनी है, कूल करनी है, किसके हेल्प से, सी वाटर के हेल्प से। यहां जो कूलिंग हो रही है, जो लो टेम्परेचर लिक्विड कूल हो रही है, वो हमारी यही लिक्विड है जो हमारी इन सब को कूल कर रही है, मींस इन सब की हीट एक्सट्रैक्ट कर रही है, हीट एक्सट्रैक्शन के बाद वो कुछ हीट गेन करेगी, उस लो टेम्परेचर लिक्विड की हीट रेज होगी आफ्टर मींस कूलिंग चार्ज एयर कूलर्स, मेन इंजन ल्यूबॉल कूलर्स, कैमशाफ्ट ल्यूबॉल कूलर्स एंड जो भी हमारी ऑक्सिलरी मेन इंजन ल्यूबॉल कूलर्स और चार्ज एयर कूलर्स एंड अदर एलटी सर्विस को वो क्या कर रही है, कूल कर रही है, मींस हीट एक्सट्रैक्ट कर रही है, उसकी टेम्परेचर इंक्रीज होगी, एंड लास्ट स्टेज हमारी किसे वो कूल करती है, जैकेट कूलिंग वाटर सिस्टम्स को वो कूल करती है, मींस हाई टेम्परेचर कूलर्स को कूल करती है। मैंने रीजन पहले ही बता दिया हूं, मैंने रीजन क्या है, इसलिए हमारी मैंने रीजन क्या बताया था, क्योंकि उसे हम हाई टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं, इसलिए हमारी जैकेट कूलिंग वाटर सिस्टम इज प्लेस्ड आफ्टर मेन इंजन ल्यूबॉल कूलर। ओके, यही हमारी रीजन भी होती है। तो आफ्टर हमारी हीट गेन कर चुकी है, एंड उसे हम क्या करना है, कूल करना है, हमारी लाइन है या हमारी लो टेम्परेचर लिक्विड, अभी हमारी लो टेम्परेचर पंप जो होगी, लो टेम्परेचर लिक्विड जो होगी, जो हमारी टेम्परेचर रेज हो चुकी है, बट उससे वो क्या करेगी, पंप आउट करेगी, एंड हमारी लो टेम्परेचर लाइन है, एंड लो टेम्परेचर लाइन में हमारी क्या है, एलटी कंट्रोल वाल्व लगी हुई है। अभी हमारी लो टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व क्या करती है, हमारी अकॉर्डिंगली अगर हमारी थर्मल लोड इंक्रीज है, अगर हमारी थर्मल लोड ज्यादा है तो हमारी क्या करती है, कूलिंग जो होती है, अमाउंट ऑफ कूलिंग हमारी ये ज्यादा करेगी, अगर हमारी थर्मल लोड कम है तो अमाउंट ऑफ कूलिंग हमारी कम करेगी। तो अब हमारी क्या करती है, ये एलटी लिक्विड को ये डाइवर्ट करती है हमारी सेंट्रल कूलर्स की ओर, ये हमारी एलटी लिक्विड को ये हमारी डाइवर्ट करती है हमारी सेंट्रल कूलर्स की ओर। अगर हमारी थर्मल लोड इंक्रीज है तो ये हमारी मोर डाइवर्ट करेगी सेंट्रल कूलर्स की ओर, एंड अगर हमारी थर्मल लोड कम है, मींस हमारी लो टेम्परेचर की लिक्विड अगर हमें कम, मींस हमारी डिजायर लिमिट से अगर कम ऑफसेट है, तो उसे वो हमारी कम डाइवर्ट करेगी सेंट्रल कूलर्स की ओर। ओके, तो हमारी क्या करेगी, यहाँ से लिक्विड लो टेम्परेचर लिक्विड लगी, और ये आप देख सकते हैं हम यहाँ पर डाइवर्ट किया गया, मींस हमारी एक वाल्व है। ओके, सॉरी, ये हमारी वाल्व सी है, वाल्व सी के थ्रू हमारी क्या होगी, लो टेम्परेचर लिक्विड एंटर करेगी, वाल्व सी डैश के थ्रू लो टेम्परेचर लिक्विड एंटर करेगी, एंड यहाँ पर हमारी हीट एक्सचेंज होगी किनके बीच, हमारी सी वाटर के बीच एंड हमारी लो टेम्परेचर लिक्विड के बीच, एंड अगेन हमारी सी वाटर उसे क्या करेगा, कूलिंग प्रोवाइड करेगी, जैसे मैंने लास्ट डायग्राम में आपको बता चुका हूँ। आप इस डायग्राम से सारी चीज कंपेयर कर सकते हो, ब्लॉक डायग्राम से कंपेयर कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट ये हमारी क्या करेगी, कूल होगी, अगेन हमारी कूल होगी, आप देख सकते हो ये हमारी लाइन है, एंड अगेन हमारी ये एलटी लाइन पे फीड होगी, एंड अगेन हमारी ये सेम हमारी साइकिल चलेगी। तो ये हमारी साइकिल चलते रहती है। ओके, तो ये हमारी आज की लेक्चर्स थी,
सेंट्रल कूलिंग वाटर सिस्टम्स। अगर आपको इस लेक्चर्स में कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं एंड मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद की जो अपकमिंग लेक्चर्स होगी वो भी हमारी लाइन डायग्राम्स पे ही बात करेंगे, बिल्ज लाइन एंड डिफरेंट डिफरेंट लाइन सिस्टम पे हम बात करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।